हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन पढ़ो। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक जो काइट है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, काइट का मतलब पतंग, कितनी मीटर ऊंचाई पे? 60 मीटर। ओके, नाउ द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहाँ से जो स्ट्रिंग है, ठीक है, एकदम टाइट है। ठीक, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो आपका इंक्लिनेशन दे रखा है, ठीक है, एक इतना है 60 डिग्री। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, एज्यूमिंग डैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, इसमें कोई लूज नहीं है, मतलब कोई लूजापन नहीं, एकदम पूरा टाइट है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। और आपको ए हाइट दे रखी है, कितनी? 60 मीटर। तो देखो सोल्यूशन, देखो हमने मान लिया कि एक काइट यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी है? 60 मीटर। ये कितना है? 60 डिग्री एंगल यहाँ से बना रहा है। ठीक है, नाउ लेट देखो, हमको यही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ। लेट के बी द काइट एंड स्ट्रिंग इज टायर टू पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। यहाँ से स्ट्रिंग को यहाँ बांधा गया है और यह हवा में काइट उड़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये लंबाई बतानी है। इन ट्रेंगल के एल पी, देखो के एल पी, ओके, देखो आपको ए लंबाई दे रखी है और ए वाली बतानी है। तो यानी आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? साइन, ठीक है, कॉस और टेन में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या है? परपेंडिकुलर आए एंड हाइपोटेनस आए। ऑब्वियसली साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सो आई विल प्रीफर द साइन। ओके, नाउ के एल, देखो के एल अपॉन के पी, के एल अपॉन के पी, डेट इज परपेंडिकुलर आई अपॉन हाइपोटेनस इक्वल साइन 60। हमने साइन 60 लगा दिया। ओके, नाउ वी नो डैट द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज रूट 3/2। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एल? के एल, द वैल्यू ऑफ के एल इज गिवेन। देखो के एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 मीटर। तो आई विल पुट हियर द 60 मीटर। देखो 60 अपॉन के पी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी। यहाँ से आप के पी बता सकते हो कि स्ट्रिंग की लंबाई कितनी होगी। देखो उसके बाद जब आप ऐसे करोगे तो आप नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो 60 अपॉन के पी, ओके, इक्वल टू रूट 3/2। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना हो जाएगा? देखो 60 इंटू 2 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें रूट 3 के एंड पी। ओके, नाउ आपको के पी की वैल्यू निकालनी है तो के पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2 डेट इज 120 अपॉन, ओके, रूट 3। यहाँ रूट 3 मल्टीप्लाई में है ना, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा रूट 3। ओके, नाउ अब देखो हम 60 को 120 को क्या लिख सकते हैं? देखो 60 अब आप इसको लिखो 60, ठीक है, इंटू 60 इंटू 2, ओके, अपॉन रूट 3। ओके, नाउ अब देखो, अब आप इसको 3, ठीक है, अब 60 को आप लिख लो 3 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन रूट 3। ओके, और रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो? रूट 3 इंटू रूट 3, आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, जब रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर कितना आता है? 3। तो देखो आप 3 की जगह रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, यस सर, इंटू 22 जा 40 लिख सकते हो, हाँ सर, अपॉन रूट 3 लिख सकते हो। ठीक, यानी रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर के कितना बचा? देखो ऊपर कितना बचा? 40 एंड रूट 3 बचा, रूट 3 मीटर। ओके, तो आंसर कितना आएगा? 40√3 मीटर। तो देखो के पी की वैल्यू कितनी आ गई? 120/√3 डेट इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ओके, दिस इज योर आंसर। हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज हाउ मच? 40√3 मीटर। ओके, थैंक यू क्लास।